ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 211, क्लैरिफाइड ऑन 16 अप्रैल 2005 एट दंड मुकुंदपुर, ओडिशा। ओम शांति। चले 15 अप्रैल 2005 को वाणी चल रही थी 8 मई 1966। ओम शांति। यस्टरडे ऑन 15 अप्रैल 2005 द वाणी डेटेड 8 मई 1966 वॉज गोइंग ऑन। तीसरे पेज के अंत में बात बताई जा रही थी। द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ द थर्ड पेज वॉज। तुम बच्चों को तो खुशी में नाचना चाहिए। यू चिल्ड्रन शुड सर्टनली डांस विद जॉय। अंदर अंदर में नाचना चाहिए, बाहर से किसी को खुशी दिखाने की बात नहीं है। यू शुड डांस विद इन। इट इजंट अबाउट शोइंग योर हैप्पीनेस टू समवन एक्सटर्नली। वो खुशी तो स्वतः ही दिखाई पड़ेगी। दैट हैप्पीनेस विल बी विजिबल ऑन इट्स ओन। ये सारी अंदर की बात है। ऑल दीज आर इंटरनल कॉन्सेप्ट। अंदर की खुशी बाहर झलकती है। इंटरनल हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट्स एक्सटर्नली। आज कहाँ वाणी चल रही है? टुडे वेर इज द वाणी बींग नरेटेड? दंड मुकुंदपुर। दंड मुकुंदपुर। नौ 5-6 की वाणी है प्रातः क्लास। इट इज द वाणी ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 9/5/1966। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द फादर्स रिमेम्बरेंस। कौन से बाप की याद में बैठे हैं? इन विच फादर्स रिमेम्बरेंस आर दे सिटिंग? एक तो होता है शरीर को जन्म देने वाला बाप। वन इज द फादर हु गिव्स बर्थ टू द बॉडी। दूसरा होता है शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, ज्योति बिंदु। उस ज्योति बिंदु आत्मा का बाप सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा। एंड द अदर इज द सुप्रीम सोल, द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल, द फादर ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइट सोल दैट रिसाइड्स इन द बॉडी। जिस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं। शिवलिंग इज मेड एज द बिग फॉर्म ऑफ दैट पॉइंट ऑफ लाइट। वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम के रूप में भारत में पूजा जाता है। दैट शिवलिंग इज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्योतिर्लिंगम इन भारत। माना ज्योति का लिंग है। इट मीन्स इट इज द लिंग ऑफ ज्योति मीनिंग लाइट। और अति सूक्ष्म है। एंड इज वेरी सटल। उसको नाक आंख कान हाथ पांव नहीं दिखाई जाते। इट इजंट शोन विद नोज आईज इयर्स हैंड्स और लेग्स। इसका मतलब है वो निराकार है। इट मीन्स ही इज इनकॉर्पोरियल। लेकिन निराकार साकार सृष्टि पर साकार मनुष्यों को ज्ञान कैसे सुनाएगा? हाउएवर हाउ विल द इनकॉर्पोरियल वन नरेट द नॉलेज टू द कॉर्पोरियल ह्यूमन बीइंग्स इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड? भगवान के ज्ञान के बगैर तो सदगति और गति हो नहीं सकती। नो वन कैन अटेन सदगति एंड गति विदाउट गॉड्स नॉलेज।
2500 साल की ये हिस्ट्री बता रही है। कितने मनुष्य गुरुओं ने ज्ञान सुनाया, शक्ति नीचे ही गिरती चली गई। The history of 2500 years is telling us that so many human gurus narrated knowledge, but the world just continued to degrade. बजाय उत्थान होने के, instead of uplift, सब की मन बुद्धि रूपी आत्मा गतन पतन के गत में जा रही है। Everyone's soul in the form of mind and intellect is going towards the ditch of degradation. सब अनुभव कर रहे हैं कि हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कौड़ी मिसल होती जा रही है। Everyone is feeling that their soul in the form of mind and intellect is continuing to become like that of a quarry. जो आत्मा का बाप सोमनाथ मंदिर में आज से 2500 साल पहले हीरे की मिसल दिखाया जा रहा था, और हिस्ट्री में 1000 साल के बाद मोहम्मद गजनी ने उस हीरे को तोड़ दिया, लिंग को तोड़ दिया, और हमारे बाप की यादगार धूल धूसरित कर दी। The father of the souls who was being shown in the form of a diamond in the Somnath temple 2500 years ago, Muhammad Ghazni broke that diamond after 1000 years in the history. He broke the ling and ruined our father's yadgar. Uski jo murti thi, sakar murti, jise Shankar ki murti kaha jata hai, 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक ही मूर्ति है, जिस मूर्ति में तीसरे नेत्र के रूप में सदा शिव दिखाया जाता है। His personality, the corporeal personality, that is called Shankar's personality, is the only personality among the 33 crore, that is 330 million deities, in whom सदा शिव is shown in the form of the third eye. वो सुप्रीम सोल की यादगार है। इट इज द यादगार ऑफ द सुप्रीम सोल। मूर्ति माना साकार, अमूर्त माना निराकार या आकार। मूर्ति मीन्स कॉर्पोरियल एंड अमूर्त मीन्स इनकॉर्पोरियल और सटल। माना साकार मूर्ति में, चैतन्य मूर्ति में वो सुप्रीम सोल शिव, जो आत्माओं का बाप है, वो प्रवेश करता है। इट मीन्स दैट द सुप्रीम सोल शिव, हु इज द फादर ऑफ द सोल्स, एंटर्स द कॉर्पोरियल लिविंग पर्सनालिटी। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी देवता के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता। दिस इज व्हाई शिव्स नेम इजंट कंबाइंड विद एनी अदर डेटी अमंग द 330 मिलियन डेटीज। कोई के साथ शिव का नाम जोड़ा जाता हो तो बताओ। Tell me if his name is combined with anyone. वो तो राजाओं का राजा है, शिवराज कहा जाए तो क्या बड़ी बात। Student, Shivraj, he is certainly the king of kings. What is the big deal if he is called Shivraj, meaning King Shiv? वो तो सारी शक्ति का नियंता बनता है, सत्युग के आदि में नारायण कहा जाता है। In fact, he becomes the leader of the entire world. He is called Narayan in the beginning of the golden age. Shiva Narayan kaha jaye to kya badi baat? What is a big deal if he is called Shiv Narayan? Wo to ek hi hua. It is one and the same. Wo sare vishwa ka nath banta hai. He becomes the controller of the entire world. Unke liye to kehte hain. It is certainly said for him. Shankar Vishwanath kehlate, Radha Krishna uni se aate. Shankar is called Vishwanath and Radha Krishna come from him alone. Wo sare vishwa ka pita hai. He is the father of the entire world.
तो शिव और शंकर को मिलाकर के एक कर दिया भक्ति मार्ग में, इसका कारण भी तो होना चाहिए। क्या कारण हुआ? Then there certainly must be a reason behind combining Shiv and Shankar and making them one in the path of bhakti. What is the reason? क्या कारण हुआ? What is the reason? शिव ने शंकर में प्रवेश किया तो शिव शंकर को मिला दिया। शिव एंटर्ड शंकर, सो दे कंबाइंड शिव एंड शंकर। और किसी देवता में शिव को प्रवेश करके मिला हुआ नहीं दिखाया जाता। शिव इजंट शोन एंटरिंग एनी अदर डेटी एंड बीइंग कंबाइंड विद देम। शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता। इट इजंट सेड शिव ब्रह्मा। शिव विष्णु नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? इट इजंट सेड शिव विष्णु। व्हाट इज सेड? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव शंकर भोलेनाथ। शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर भोले भाले। दो नाम है, दोनों के साथ दोनों का टाइटल लगा हुआ है। देयर आर टू नेम्स विद टू टाइटल्स फॉर ईच। शिव नाम पहले, शंकर नाम बाद में। द नेम शिव इज फर्स्ट एंड द नेम शंकर इज लेटर। बाप का नाम पहले, बच्चे का नाम बाद में। द फादर्स नेम इज फर्स्ट एंड द चाइल्ड्स नेम इज लेटर। तो टाइटल भी उसी हिसाब से नंबर वार लगा हुआ है। सो द टाइटल्स आर ऑल्सो गिवन नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू दैट। भोले भाले। भोले भाले। तो भोले कौन हुआ? हु इज भोले? दैट इज द इनोसेंट वन। शिव हुआ या शंकर हुआ? इज इट शिव और शंकर? शिव हुआ भोला। शिव इज भोला। और शंकर हुआ भाला। एंड शंकर इज भाला, दैट इज स्पीयर। क्यों? व्हाई? इसलिए कि शिव तो सबके लिए कल्याणकारी। इट इज बिकॉज शिव इज सर्टनली बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। किसी के लिए भी यह कल्याणकारी नहीं। ही इज नॉट हार्मफुल फॉर एनीवन। वो है सदाशिव। ही इज सदाशिव आफ्टर ऑल। क्यों? तो वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इट इज बिकॉज ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो तो सबका कल्याण चाहता है। ही सर्टनली विशेज एवरीवन्स बेनिफिट। लेकिन सबका कल्याण सिर्फ प्यार स्वरूप से नहीं हो सकता। हाउएवर एवरीवन कांट बी बेनिफिटेड जस्ट बाय द लविंग फॉर्म। लव के साथ लाभ ही चाहिए। लॉ इज ऑल्सो नीडेड विद लव। ये प्रवृत्ति है लव और लॉ। दिस इज प्रवृत्ति ऑफ लव एंड लॉ। जैसे साकार सृष्टि पर प्रवृत्ति है प्रकृति और पुरुष। जस्ट एज देर इज द प्रवृत्ति ऑफ प्रकृति दैट इज वुमन एंड पुरुष That is, man in the corporeal world. ऐसे ही उनके नेचर में, स्वभाव में वो भी प्रवृत्ति चाहिए। Similarly, that प्रवृत्ति is also needed in his nature. पुरुष, वो पुरुष ही क्या जो कठोर वृत्ति का न हो। As regards पुरुष, what kind of a पुरुष is he? Who doesn't have a harsh nature? और स्त्री, स्त्री ही क्या जिसमें कोमलता न हो, नम्र भाव न हो। And as regards woman, what kind of a woman is she who doesn't have tenderness and humility? तो कोमल मात्र रूप। So, the mother's form is gentle. और कठोर
पिता करूं। एंड द फादर्स फॉर्म इज स्ट्रिक्ट। ऐसे क्यों? व्हाई इज इट लाइक दैट? दो क्यों? व्हाई आर देयर टू फॉर्म्स? सदा प्यार ही प्यार क्यों नहीं? व्हाई नॉट जस्ट लव एंड ओनली लव? ये प्यार के साथ प्रवृत्ति मार की क्यों जुड़ी हुई है? व्हाई इज द प्रवृत्ति ऑफ पनिशमेंट्स कनेक्टेड विद लव? क्योंकि सत्युग के आदि में तो परमात्मा ही आकर के मनुष्यों को देवता बना कर जाता है। इट इज बिकॉज द सुप्रीम सोल हिमसेल्फ कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज, मेक्स द ह्यूमन बींग्स इनटू डेटीज एंड गोज। जो दैवीय स्वभाव की आत्माएं हैं 33 करोड़ नंबर वार, वो आसानी से देवत्व पद प्राप्त कर लेती है। The 330 million souls with number-wise divine nature attain the position of a deity easily. क्योंकि वे naturally प्राकृतिक रूप से देवता थी। It is because they were naturally deities. संघ के रंग में आकर के द्वापर और कलयुग में द्वैतवादी धर्म पिताओं के संघ के रंग में आकर के मनुष्य से बिगड़ करके राक्षस बन गई। By being colored by the company of the dualistic religious fathers since the copper and the iron age, they degrade from being human beings and become demons. परंतु जैसे ही आखिरी जन्म में वो सुप्रीम सोल बाप उन आत्माओं को आकर के परिचय देता है, बच्चे तुम राक्षसी स्वभाव के नहीं थे, तुम तो देवता थे। However, as soon as that Supreme Soul Father comes and gives the introduction to those souls, saying, "Children, you weren't the ones with a demoniac nature. In fact, you were deities." तो जो ओरिजिनल देवता थे उनको अपनी स्मृति जल्दी आ जाती है। So, those who were deities originally have their awareness soon. और वो परमात्मा प्यार से पल करके जल्दी देवत्व पद प्राप्त कर लेते एक ही जन्म। एंड दे आर सस्टेन्ड विद द सुप्रीम सोल्स लव एंड अटेन द पोजीशन ऑफ अ डेटी सून इन अ सिंगल बर्थ। लेकिन इस धरती पर तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है। जो तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से, संबंध से, सब प्रकार से दूसरों को दुख देने वाली बन चुकी है। However, there are 5 to 7 billion human souls in this world who have become the ones who give sorrow to others through everything, including body, mind, wealth, time, contact and relationship. ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं देखा होगा जो मन के संकल्पों से और वाचा से या कर्मेंद्रियों के कर्म से किसी को कभी दुख न देता हो। You mustn't have seen any of such person who doesn't ever give sorrow to anyone through the thoughts of his mind, speech or the actions performed by his कर्मेंद्रिया। तो आखिरी कलयुगी जन्म में सारी मनुष्य आत्माएं जब ऐसी पतित भ्रष्ट कर्म करने वाली बन जाती है, दुखदायी कर्म करने वाली बन जाती है, तो वो आत्माओं का बाप परम पिता सुप्रीम सोल मनुष्य को देवता बनाने के लिए जो मनुष्य सृष्टि का पिता है और जो देवताओं का भी पिता है और फिर असुरों का भी पिता है, जिसके लिए मुरली में ये वाक्य बार बार आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। When all the human souls become the ones who perform such impure, corrupt and sorrow-giving actions in the last Iron Age birth, that father of the souls, the Supreme Father, Supreme Soul,
enters the father of the human world, who is the father of the human beings, deities, as well as the demons, in order to transform the human beings into deities. This sentence repeatedly comes in the Murli for him. Children, your father has come. Rakshason ka bhi baap hai. He is the father of demons as well. Rakshasi vritti. Khan paan rakshasi hota hai. Those with a demoniac nature, who have demoniac eating and drinking habits. Maans khayenge, gosht khayenge, anda khayenge, sharab piyenge. They will consume meat, eggs and alcohol. और कचर पट्टी खा करके बुद्धि ऐसी खराब करेंगे कि उनको यही नहीं ध्यान देता है कौन हमारी माँ है, कौन बहन है, कौन बहू है, कौन बेटी है. They will spoil their intellect in such a way by eating dirty things that they aren't even aware who their mother, sister, daughter-in-law or daughter is. राक्षसी स्वभाव हो जाते हैं. Their nature becomes demoniac. ऐसे राक्षसी स्वभाव वालों का भी कौन आया हुआ है? Who of the ones with such a demoniac nature has come? बाप आया हुआ. Their father has come. इसलिए मुरली में बोला है. This is why it has been said in the Murli. राम रावण बन जाता है. राम becomes रावण. और कृष्ण कंस बन जाता है. एंड कृष्ण बिकम्स कंस. तो कल्याण के लिए बनता है या अकल्याण के लिए बनता है? डज ही बिकम दैट फॉर बेनिफिट और हार्म? कल्याण के लिए बनता है. ही बिकम्स दैट फॉर बेनिफिट. जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है. जस्ट एज आयरन कट्स आयरन. विष से विष मारा जाता है. पॉइजन किल्स पॉइजन. ऐसे ही इस सारी मनुष्य सृष्टि जो कि राक्षसी सृष्टि बन चुकी है उसको सुधारने के लिए सुप्रीम सोल बाप ऐसे बच्चे में प्रवेश करता है जो हर मायने में हर तरीके से चाहे अच्छे रूप में चाहे बुरे से बुरे रूप में राक्षसी भी पार्ट बजा सकता है और देवत्व वाला भी पार्ट बजा सकता है. सिमिलरली इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड विच हैज बिकम अ डिमोनियक वर्ल्ड द सुप्रीम सोल फादर एंटर्स सच अ चाइल्ड who can play a demoniac as well as a divine part in every aspect, in every way. इसलिए मुरली में बोला है और किसी भी धर्म में ऐसा गोरा ऐसा सुंदर पार्टधारी नहीं है. This is why it has been said in the Murli, there is no such fair and beautiful actor in any other religion. और किसी भी धर्म में ऐसा काला और ऐसा कुरूप पार्टधारी नहीं है. And there is no such dark and ugly actor in any other religion. उसका नाम क्या दिया है? What has he been named? दोनों पार्ट इकट्ठे एक ही रूप के ऊपर दे दिए. Both the parts have been given together to the same form. श्याम सुंदर. श्याम सुंदर, that is the dark and the fair one. ऐसा श्याम से श्याम काले से काला धर्मराज का रूप और कोई भी धर्म पिता नहीं बजा सकता. नो अदर रिलीजियस फादर कैन टेक ऑन सच डार्केस्ट फॉर्म ऑफ धर्मराज. और ऐसा सुंदर स्वरूप और कोई धर्म में नहीं समाया हुआ. एंड सच अ ब्यूटीफुल फॉर्म इजंट शोन इन एनी अदर रिलीजन. इसकी क्या जरूरत? व्हाट इज द नीड फॉर इट? एक ही व्यक्तित्व में डबल पर्सनालिटी की क्या जरूरत है? What is the need of double personalities in the same personality? ये जरूरत है
कि जो अच्छे हैं संग के रंग से खराब हो चुके हैं। मूल स्वभाव जिनका अच्छा ही था उनको सुधारने के लिए प्यार ही बहुत काफी है। द नीड इज दैट ओनली लव इज इनफ टू रिफॉर्म द गुड वंस हु आर स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द कंपनी whose original nature was just good. इसलिए मुरली में बोला, This is why it has been said in the Murli, देवताएं इशारे से समझ जाते हैं। The deities understand through indication. और मनुष्य कहने से समझते हैं। The human beings understand on being told. और राक्षस या गदावृत्ति के कहने से भी नहीं मानते, अरई लगाने से भी नहीं मानते। एंड द डीमंस और द वंस विद द डोंकी लाइक नेचर डोंट अंडरस्टैंड ऑन बीइंग टोल्ड एज वेल एज वॉर्न्ड। और बहुत कुछ पिटते रहेंगे तो भी जल्दी नहीं सुधरेंगे। इन एडिशन दे वोंट रिफॉर्म सून इवन दो दे आर बीटन अ लॉट। पिटते पिटते जब श्वास गले तक आ जाता है। When they are at the point of death while being beaten, जैसे महिषासुर को दिखाते हैं। For example, महिषासुर is shown. आखिरी श्वास तक युद्ध करता है। He fights till his last breath. जैसे कंस को दिखाते हैं। आखिरी श्वास तक युद्ध करता है। रावण को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंस इज शोन ही फाइट्स टिल हिज लास्ट ब्रेथ। रावण इज शोन अंदर से समझ जाता है कि अब मेरी हार निश्चित है। ही अंडरस्टैंड्स फ्रॉम विद इन नाउ माय डिफीट इज सर्टन। तो भी आखिरी श्वास तक युद्ध करता है। स्टिल ही फाइट्स टिल हिज लास्ट ब्रेथ। जब गले से ऊपर पानी चढ़ जाता है। When the water reaches up to the level of neck, तब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। What is the use of crying over the spilt milk? जो जीवन मुक्ति प्यार से मिलती है वो जीवन मुक्ति तो पाए नहीं। They certainly didn't attain the जीवन मुक्ति which is attained through love. सिर्फ परमात्मा का नंबर दो का वर्षा मुक्ति पाई। They just attained the second rate inheritance, that is मुक्ति of the supreme soul. हर मनुष्य आत्मा चाहती है मैं जीवन भी जीऊं और जीवन में रहते सुख शांति भोगूं, दुख और अशांति न भोगूं। Each human soul wants to survive as well as experience happiness and peace while being alive. They don't want to suffer from sorrow and restlessness. ये है जीवन मुक्ति। This is जीवन मुक्ति। और ये जीवन मुक्ति इसी जीवन में जिस जन्म में परमात्मा बाप सुप्रीम सोल आकर के पढ़ाई पढ़ाता है उसी जीवन में जीवन मुक्ति देकर जाता है। एंड द सुप्रीम सोल द फादर गिव्स दिस जीवन मुक्ति एंड गोज इन दिस वेरी बर्थ द बर्थ व्हेन द सुप्रीम सोल फादर कम्स एंड टीचेस। ये शरीर रहते रहते उसे जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट जीवन मुक्ति व्हाइल बीइंग अलाइव। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा ये अनुभव नहीं कर सकेंगे। The 5-7 billion human souls won't be able to experience this. पूरी पूरी जीवन मुक्ति का अनुभव सिर्फ वही आत्माएं कर सकेंगी जो इस श्रेष्ठ रूपी रंगमंच पर पूरे 84 जन्म का चक्कर लगाती। हीरो पार्ट धारी के साथ ऑलराउंडर पार्ट बजाती है। Only those souls who pass through the cycle of complete 84 births on the stage-like world
who play an all-round part with the hero actor will be able to experience complete Jivan Mukti. जिन आत्माओं का एक जन्म भी कम हो जाएगा, those souls who fall short of even a single birth, मान लो सतयुग के आज में कोई आत्माओं का एक जन्म कम हो जाता है, suppose if some souls fall short of one birth in the beginning of the golden age, तो वो आत्मा द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली मानी जाएगी. They will be considered to be the souls who convert to other religions since the Copper Age. और कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा देगी. And after being converted, they will betray the Bharatvasis. इसलिए सीढ़ी के चित्र में दिखाया है भारत के उत्थान पतन की 84 जन्मों की कहानी. This is why the story of rise and fall of 84 births of Bharat has been depicted in the picture of ladder. माने 83 जन्म लेने वालों की उसमें कहानी नहीं है, भले वो देवताएं बनते कम कला वाले. It means it isn't the story of those who have 83 births, even though they become deities with fewer celestial degrees. तो और कम जन्म लेने वालों की तो बात ही नहीं. Then the topic of others who have fewer births is a far off question. तो बाप आकर के बताते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हैं. So the father comes and asks, children, are you sitting in the father's remembrance? बाप को पहचाना होगा तो याद में बैठे होंगे. If you have recognized the father, you must be sitting in his remembrance. और पूरी पहचान नहीं हुई होगी तो पूरी याद भी नहीं टिक सकती. And if you haven't had his complete recognition, your remembrance can't become stable completely either. मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते. Who I am, how I am, and the form in which I am playing the part, even the children who stay with me aren't able to recognize me. न पहचान पाने के कारण छोड़ के चले जाते. They leave me and go because of not recognizing me. वे दुनिया में जाकर के ठोकरें खाते हैं, दुखी होते हैं, पतन के गर्त में गिरते हैं. Then they go to the world, suffer blows, become sad, and fall into the ditch of degradation. और हाय हाय करके पश्चाताप करते हैं कि हमने क्या कदम उठाए लिए. Then they regret in grief and pain, thinking, what step we took. याद करना चाहते हैं तो भी याद नहीं आती. They want to remember him, but they aren't able to remember him. बुद्धि को एकाग्र करना चाहते हैं. They want to concentrate their intellect. बहुत छटपटाते हैं. They feel very agitated. तो भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती. Still, their intellect isn't concentrated. तो बाप सब बच्चों से पूछते हैं. So, the father asks all the children, बाप की याद में बैठे हैं? Are you sitting in the father's remembrance? ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है. You receive this श्रीमत, that is the most elevated direction. इससे श्रेष्ठ मत और कोई होती नहीं. No other opinion is more elevated than this. कोई मनुष्य गुरु ये नहीं कह सकता मुझे याद करो. No human guru can say remember me. क्योंकि सारे ही मनुष्य गुरुओं को काल खा जाता है. इट इज बिकॉज डेथ डिवोर्स ऑल द ह्यूमन गुरुज. तो जिसको काल खा जाता है वो दूसरों को कहे कि मुझे याद करो तो दूसरों का भी क्या असर होगा.
If those who are devoured by death ask others to remember them, what will happen to others as well? जिसको काल खा जाता है उसको याद करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? What will be the result if you remember the one who is devoured by death? जैसे को याद करेंगे वैसे ही अंत मते सुगति हो जाएगी. You will attain the destination as per the last thought by remembering them. उदाहरण के तौर पर मुरली में बोला इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है. For example, it has been said in the Murli, you shouldn't remember this Brahma. इसका फोटो नहीं रखना है. You shouldn't keep his photo. समझने के लिए त्रिमूर्ति के चित्र में तो फोटो दिया ही हुआ है. His photo has certainly been shown in the picture of the Trimurti for the purpose of understanding. अलग से ब्रह्मा का फोटो रखने की कोई दरकार नहीं. There is no need to keep Brahma's photo separately. लेकिन जिनका देहधारी गुरुओं से लगाव लग जाता है वो तो फिर अटैचमेंट में आने के कारण याद किए बगैर रह नहीं सकते. However, those who are attached with the bodily gurus can't live without remembering him because of having attachment with him. ज्ञान ध्यान की बातों को एक तरफ उठा के रख देते. They keep aside the topics of knowledge and remembrance. उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि मुरली में बोला है मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार. They don't have this in their mind at all that it has been said in the Murli, love for the Murli means love for the Muralidhar. अगर मुरली के डायरेक्शन से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार जुट नहीं सकता. If you don't have love for the directions of the Murlis, you can't have love for the Muralidhar. अब मुरलीधर कौन है? Well, who is Muralidhar? कृष्ण की सोल है क्या? Is Krishna's soul Muralidhar? दादा लेखराज ब्रह्मा मुरलीधर बनता है क्या? Does दादा लेखराज ब्रह्मा become मुरलीधर? दादा लेखराज ब्रह्मा अगर मुरलीधर बना होता तो उसकी मूर्ति पूजी जाती, मंदिर बनाए जाते और सारी दुनिया उस स्वरूप को याद करती होती. Had Dada Lekhraj become that, his idols would have been worshipped, his temples would have been built, and the entire world would have been remembering that form. लेकिन त्रिमूर्ति में तीन देवताओं के बीच में सबसे नीचे तबके वाली पुरी में उनका चित्र तो दिखाया गया है. However, his picture has certainly been shown in the lowest abode among the three deities in Trimurti. लेकिन भक्ति मार्ग में कोई उन्हें याद नहीं करता. Nevertheless, no one remembers him in the path of bhakti. सिर्फ थोड़ा गायन मात्र है. He is just praised a little. पूजा उसकी होती है जो कोई कार्य को संपन्न करके जाता है. He who goes after accomplishing a task is worshipped. सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा का है. The creation of the world is Brahma's task. लेकिन दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नई सृष्टि की रचने का कार्य संपन्न करके नहीं जा पाता. However, Brahma with beard and mustache isn't able to go after accomplishing the task of creating the new world. इसलिए दुनिया उनको याद नहीं करती. This is why the world doesn't remember him. मंदिर बना के पूजन नहीं करती. No one builds his temple and worships him. लेकिन वही ब्रह्मा की सोल अपना शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य सृष्टि की जिस आदि माता में प्रवेश करता है, आदि शक्ति में प्रवेश करता है, वही ब्रह्मा फिर जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है.
However, when that very soul of Brahma enters Adi Mata, that is the first mother, Adi Shakti, that is the first consort of the human world after leaving his body, he himself is worshipped as Jagdamba. नाम और नाम का अर्थ एक ही है, नाम दो है। The names and their meanings are the same. The names are two. ब्रह्मा, ब्रह्म, मा, मन बड़ी मा। ब्रह्मा, ब्रह्म, मा means the senior mother. और जगदम्बा, जगत, और उसकी अम्मा। And Jagdamba means Jagat, that is world, and its Amba, that is mother. सारे जगत में जो भी मनुष्य मात्र है, चाहे वो किसी धर्म विशेष के क्यों न हो, राक्षसी व्यक्ति के ही क्यों न हो, वो सब की अम्बा है. All the human beings of the entire world, it doesn't matter to which particular religion they belong, or they are the ones with a demoniac nature, she is everyone's mother. जैसे लौकिक दुनिया में भी देखा जाता है, माँ के कोई बच्चे बहुत ही आतताई होते हैं और कोई बच्चे बहुत श्रेष्ठ होते हैं, गुदाई होते हैं. Just as it is seen in the Laukik world as well, some children of a mother are very tyrant, while some are very elevated, joy-giving. लेकिन आतताई बच्चों को के माँ चाहती है कि वो हमारी गोद से अलग हो जाए. However, does the mother want her tyrant children to be separated from her lap? बच्चा मेरे से दूर हो जाए. Does she want the child to be away from her? नहीं चाहती. She doesn't. बच्चा चाहे जितना दुखदाई हो, माँ उसका कल्याण चाहती. No matter how sorrow-giving the child is, the mother wants his benefit. तो ब्रह्मा की सोल जिसके लिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है. So it has been said for the soul of Brahma in the Murli, actually this Brahma is your Jagdamba. But he has a male body. इसलिए इनको जगदम्बा नहीं कह सकते. This is why he can't be called Jagdamba. यज्ञ का कार्यभार संभालने के लिए मम्मा को टाइटिलधारी जगदम्बा बना के नियुक्त कर दिया. मम्मा वॉज मेड द टाइटल होल्डर जगदम्बा and was appointed to handle the administration of Yajna. लेकिन बलतन पुरुष का था, पुरुष पुरुष का चोला था, तो भी उस आत्मा के द्वारा, माने दादा लेखराज के द्वारा, सुप्रीम सोल शिव ने जो पाठ बजाया, वो पाठ त्वमेव माता के रूप में नुदा हुआ. However, though he had a male body, the part that the Supreme Soul Shiv played through that soul, that is Dada Lekhraj, was recorded in the form of Tvameva Mata. That is, you alone are my mother. दुनिया की कोई मिसाल आज तक नहीं मौजूद है, हिस्ट्री में भी नहीं मौजूद है, कि कोई व्यक्तित्व ने या स्त्री चोले ने सहन शक्ति का इतना पराकाष्ठा का पाठ बजाया हो. There isn't any of such example in the world till now. It doesn't exist in the history either that any personality or female body played such a part of the zenith of the power of tolerance. बच्चे ऐसे ऐसे आसुरी स्वभाव के यज्ञ में हुए, जिन्होंने माँ की जान ले ली, हार्ट फेल कर दिया,
और मुसलमानों की परंपरा कायम कर दी यज्ञ में। There were such children with demoniac nature in the yagya who killed the mother, who had him have a heart failure and started the tradition of the Muslims in the yagya. मुसलमानों की परंपरा है माँ बाप के होते हुए भी सत्ता जबरदस्ती अपने हाथ में ले लेते। The tradition of the Muslims is to forcibly take the authority under their control despite their parents being alive. ब्रह्मा के रहते ऐसा यज्ञ में हुआ। This happened in the yagya while Brahma was present. शिव बाप ने मुरली में बताया। The father Shiv said in the murli, तुम बच्चे इस संस्था को रजिस्टर नहीं करा सकते। You children can't have this institution registered. भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से शेष्टाचारी गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड कराने का कोई मतलब नहीं। There is no reason to register the श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट under the भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट। ये तो एक परिवार है। This is certainly a family. परिवार को कभी रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता। A family is never registered. मुख से डायरेक्शन दिया। मम्मा उस समय शरीर छोड़ चुकी थी। He gave this direction through the mouth. मम्मा had left her body by then. मम्मा जो यज्ञ के अंदर यज्ञ की कंट्रोलर के रूप में कार्य कर रही थी, यज्ञ प्रशासिका के रूप में कार्य कर रही थी, वो उस समय मौजूद नहीं थी। मम्मा who was working as the controller, as the female administrator of the yagya, wasn't present in the yagya then. Mamma ki drishti itni teekhi thi ki aatatai bacche unki nazaron se chup nahi sakte the. Mamma's vision was so sharp that the tyrant children couldn't hide from her. To bacche darte the. So the children used to be afraid of her. Shakti swarupini thi. She was the embodiment of shakti. लेकिन 66 में मम्मा के शरीर 65 में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा अपने को थोड़ा अकेला महसूस करने लगे। However, after mamma's demise in 1965, ब्रह्मा बाबा started feeling a bit lonely. इन बिच्छू टिंडनों की चाल का उनको अनुभव होने लगा। He started realizing the behavior of the scorpions and spiders. ये दुखदाई है। That they are sorrow giving. और उनको ये कि आदि वाली आत्मा जो यज्ञ का वास्तविक फाउंडर थी, उनका भागीदार थी, लौकिक जीवन में भी भागीदार तो अलौकिक जीवन में भी भागीदार। And he reminded of the soul of the beginning of the yagya, who was the real founder of the yagya, who was his partner. He was his partner in the laukik as well as alaukik life. और पारलौकिक प्राप्तियों में भी भागीदार। And he was his partner in the पारलौकिक attainments too. शास्त्रों में भी रामकृष्ण की आत्मा को सदैव साथ साथ दिखाते। In the scriptures too, the souls of Ram and Krishna are always shown together. Ram banvas hua to bhi Krishna ko wo Ram ke sath Lakshman ko dikhaya gaya. Even when Ram was exiled, Lakshman was shown with Ram. Mahabharat aur Bhagavat mein bhi Krishna ke sath Balaram ko dikhaya gaya. Even in the Mahabharat and Bhagavat, Balaram was shown with Krishna. आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली एक ऐसी जोड़ी है जो मनुष्य सच रूपी रंगमंच पर माता पिता का पार्ट बजाती है, हीरो और हीरोइन का पार्ट बजाती है। इट इज सच अ पेयर हु प्ले द पार्ट इन द सोल कॉन्शियस फॉर्म, हु प्ले द पार्ट ऑफ द मदर एंड फादर, द हीरो एंड हीरोइन ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड।
तो बाई चांस वो टाइटल धारी माता चली गई। सो बाई चांस द टाइटल होल्डर मदर डिपार्टेड। और आसुरी वृत्तियों को यज्ञ में सिक्का जमाने का मौका मिलने लगा। एंड द वंस विद अ डिमोनियक नेचर स्टार्टेड गेटिंग अ चांस टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी इन द यज्ञ। उन्होंने येन केन प्रकारेण बाबा की दृष्टि बचा करके खास खास ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अपनी मुट्ठी में लेकर के वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ट्रस्ट की स्थापना कर दी। दे हिड देमसेल्व्स फ्रॉम बाबा, took special ब्रह्मा कुमार कुमारीज अंडर देयर कंट्रोल एंड formed द वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट। एक संस्था बनाई यज्ञ के अंदर जिसके हाथ में यज्ञ की सारी सत्ता सौंप दी गई। They established a committee within the yagya that was entrusted the entire responsibilities of the yagya. आज भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की जितनी भी बिल्डिंग्स है, जो भी स्थायी या अस्थायी प्रॉपर्टीज है, वो सारी उस वर्ल्ड रूरल ट्रस्ट के अंडर में चल रही है। इवन टुडे ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, ऑल द टेम्पररी एंड परमानेंट प्रॉपर्टीज आर रनिंग अंडर दैट वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट। और उस वर्ल्ड रिन्यूअल की ट्रस्ट की सत्ता आज से और अब तक भी एक व्यक्ति के हाथ में समेटी हुई है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल नाउ। बहुत सारे ब्रह्मा कुमार तो ये जानते भी नहीं है। मेनी ब्रह्मा कुमार्स डोंट इवन नो अबाउट दिस। वो समझते हैं कि बाबा ने तो बोला है शक्तियों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। दे थिंक दैट बाबा हैज सर्टनली सेड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द शक्तिस। माताएं ही इस यज्ञ की कंट्रोलर है। मदर्स देमसेल्व्स आर द कंट्रोलर्स ऑफ दिस यज्ञ। ऊपर ऊपर से देखा जाता है तो समझा जाता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सम्मेलन होते हैं, मेगा प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें माताएं बैठ करके भाषण देती हैं। इफ यू सी फ्रॉम आउटसाइड इट इज अंडरस्टूड दैट द मदर्स सिट एंड डिलीवर स्पीचेस इन द बिग प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, मेगा प्रोग्राम्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड। तो समझते हैं इस यज्ञ की सत्ता उनके हाथ में ही होगी। So they think that the administration of this yagya would be under their very control. लेकिन अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने स्पष्ट बताई दिया। However, बाप दादा has clearly said in the अव्यक्त वाणी, पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है। Pandavas have to stay as the guards of the Shaktis. गार्ड माना? What does a guard mean? अंगरक्षक। An escort. बॉडीगार्ड बन के रहना है ताकि उनके साथ कोई आसुरी वृत्तियां हरकत न कर सके। They have to stay as the bodyguards so that the ones with the demoniac nature can't harass them. और यज्ञ को डामाडोल न कर दे। And create disturbances in the यज्ञ। लेकिन कलयुग में और कलयुग की शूटिंग में क्या होता है? However, what happens in the Iron Age and the Iron Age shooting? जो रक्षक होते हैं वही भक्षक बन जाते हैं। The protectors themselves become the predators. देखने के लिए आज भारत की पुलिस, भारत की अंदरूनी सत्ता की रक्षक है और रक्षक के रूप में तैनात है। द इंडियन पुलिस इज द प्रोटेक्टर ऑफ द इनर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ। दे आर रिक्रूटेड एज द प्रोटेक्टर्स। लेकिन एक एक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अभी भारत की पुलिस का क्या हाल है। हाउएवर ईच एंड एवरी पर्सन नोज दिस वेल व्हाट द कंडीशन ऑफ इंडियन पुलिस टुडे इज।
और नाम क्या रख दिया उसका? एंड वॉट आर दे नेम्ड? पोल इस। पोल इस माने सबसे जास्ती पोल पट्टी उसी में भरी हुई। इट मीन्स दे देमसेल्व्स आर फुल ऑफ पोल पट्टी, दैट इज डार्क सीक्रेट्स द मोस्ट। ये बाहर की दुनिया की बात हुई। दिस इज अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। ब्राह्मण की दुनिया में भी जिन पांडवों को रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने ऐसी तिक्रम चलाई कि सारी सत्ता उन पुरुषों के हाथ में यज्ञ के अंदर सौंपी हुई है। Even in the Brahmin world, the Pandavas who were appointed as the protectors devised such a stratagem that the entire administration has been handed over to those men in the Yagya. Kolkata ke Ravindra bhai advance party mein aaye bhakti karne ke liye, Kampil mein bhakti karne ke baad badi sachchai se Mount Abu pahunche ki dadi Kampil mein jo gyan diya jata hai वो 100% सच्चा है। When the brother Ravindra of Kolkata came in the advance party to do bhatti, he honestly reached Mount Abu after doing bhatti in Kampil and said, Dadi, the knowledge that is given in Kampil is 100% true. और उन लोगों को अगर इसी तरह यज्ञ से खदेड़ा जाता रहा, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों से तिरस्कृत किया जाता रहा, तो थोड़े समय के अंदर ही ये संस्था नेस्त नाबूद हो जाएगी। एंड इफ दे दैट इज दोज ऑफ द एडवांस पार्टी आर कंटिन्यूड टू बी चेस्ड अवे फ्रॉम द यज्ञ दिस वे, इफ दे आर कंटिन्यूड टू बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द ब्रह्मकुमारी आश्रम्स, दिस ब्रह्मकुमारी इंस्टीट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो दादी ने मालूम क्या जवाब दिया? देन डू यू नो व्हाट दादी रिप्लाइड? दादी जो मम्मा के स्थान को लिए बैठी है, दादी हु वॉज टेकिंग ओवर मम्मा पोजिशन, मम्मा प्रैक्टिकल रूप में यज्ञ की प्रशासिका थी। मम्मा वॉज द फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यज्ञ इन प्रैक्टिस। नीति नियम कानून की शासन करने वाली थी। She was the ruler of rules, regulations and laws. उसके बाद प्रशासिका बनकर कौन बैठा? After her, who sat as the female administrator? दादी प्रकाश मणि। हालांकि जब तक मम्मा मौजूद रही, तब तक प्रकाशक और प्रशासक और प्रशासिका नाम निशान भी नहीं। Nevertheless, until mama was alive, there was no trace of any male or female administrators. उन भक्षक बनने वाले चाटुकारों ने मनमोहिनी दीदी को टाइटल दिया सह प्रशासिका। Those flatterers who become the predators gave the title female co-administrator to Didi Manmohini. और दादी को टाइटल दिया प्रशासिका, मुख्य प्रशासिका। एंड दादी वॉज टाइटल्ड द फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर, द चीफ फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये था राजा तथा प्रजा। सो एज इज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। राजा ही कंट्रोल में आ जाएगा, जो अव्यक्त वाणी में बोला कि पांडव शक्तियों के रक्षक के रूप में रहे। इफ द किंग हिमसेल्फ कम्स अंडर समवन्स कंट्रोल फॉर विच इट हैज बीन सेड इन द अव्यक्त वाणी, द पांडवास शुड स्टे एज द प्रोटेक्टर्स ऑफ द शक्तीज। शक्तियों को डायरेक्शन न दे, दे शुडंट गिव डायरेक्शंस टू द शक्तीज। अपने कंट्रोल में न चलाए, दे शुडंट मेक देम एक्ट अंडर देयर कंट्रोल। अगर पांडव ऐसा करेंगे, इफ द पांडवास डू दिस, तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। देर विल बी डिसऑर्डर इन द यज्ञ।
एक तरफ अव्यक्त बाप दादा बोलते जा रहे थे और दूसरी तरफ वो बात प्रैक्टिकल माउंट आबू में पांडवों के द्वारा लागू हो चुकी थी। ऑन वन हैंड अव्यक्त बाप दादा वाज सेइंग दैट एंड ऑन द अदर हैंड द ब्रह्म कुमार्स इन माउंट आबू स्टार्टेड डूइंग दैट इन प्रैक्टिस। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की स्थापना के बाद ब्रह्मा बाबा को 2 दिन पहले मालूम पड़ी जब उन्होंने शरीर छोड़ा। ब्रह्मा बाबा केम टू नो अबाउट द फॉर्मिंग ऑफ द वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट 2 डेज बिफोर हिज डिमाइस। और अंदर से उनको इतनी चिंता लग गई एंड ही वॉज सो वरीड फ्रॉम विद इन, हृदय डावाडोल होने लगा कि 2 दिन के अंदर ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। His heart started breaking that he died within 2 days. पहली जो बुलेटिन निकली है ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद उस बुलेटिन में ये बात लिख दी गई है। The first bulletin that was released after Brahma Baba's demise, it has been written in that bulletin. कि ब्रह्मा क्लास करने के बाद रात्रि में ब्रह्मा बाबा के हृदय में दर्द हुआ। After conducting the class at night, Brahma Baba felt pain in his heart. और वो अपने कमरे में चले गए। डॉक्टर जब तक बुलाया गया और डॉक्टर आया तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। And he went to his room. Until the doctor was called and he came, he, that is Brahma, died. ये पहली बुलेटिन में ये बात दी हुई। This concept has been mentioned in the first bulletin. तो बताया कि जो आसुरी बच्चे होते हैं वो बाप के न रहने पर माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं। सो इट वॉज सेड द डिमोनियक चिल्ड्रन डोमिनेट द मदर ऑन द फादर्स एब्सेंस। और मनमना आचरण करके परिवार की सत्ता को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करते हैं। And they behave as they wish and try to take the administration of the family under their control. तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए सुप्रीम सोल बाप को वो माँ का रूप वापस लेना पड़ता है। So the supreme soul father has to take back that form of the mother to teach a lesson to such children. कौन सी माता रूप? Which form of mother? जिसने सहन शक्ति का पराकाष्ठा का पार्ट बजाया। The one who played the part of the zenith of the power of tolerance. जो दुनिया में आज तक न कोई बजाय सका और न कोई भविष्य में बजाय सकेगा। No one could play that part in the world till today and no one will be able to play that part in the future either. उस श्रेष्ठ मूर्ति को इस सत्य रूपी रंगमंच से उठा लिया। That elevated personality was delivered from the stage like world. क्या नाम था उस मूर्ति का? What was the name of that personality? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। और रंगमंच कभी खाली नहीं रहता। As a matter of fact, the stage is never vacant. जैसे जंगल कभी शेर के बगैर खाली नहीं होता। Just as the forest is never vacant without a lion. एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। When a lion goes away, another lion comes. एक तरफ 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, कृष्ण वाली आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो दूसरी ओर 69 में ही राम वाली आत्मा व्यक्त रूप में रंगमंच पर जाने अनजाने ही हाजिर हो जाती। On one side, Brahma Baba, that is the soul of Krishna, left his body in 1969, and on the other side, the soul of Ram comes on the stage unknowingly in 1969 itself in a corporeal form.
अव्यक्तवाणियों में, 69 और 70 की अव्यक्तवाणियों में इस बात के स्पष्ट इशारे दिए हुए हैं। The clear indications have been given of this fact in the Avyaktavanis of 1969-70. बोला है साकार स्नेह की याद में बच्चे बैठे हैं, तो साकार स्नेह के रिटर्न में साकार स्वरूप मौजूद है। It has been said the children are sitting in the remembrance of the corporeal love, so the corporeal form is present in the return of the corporeal love. ये साकार स्वरूप सारे ब्रह्मा परिवार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ पाठधारी है। This corporeal form is a very elevated actor for the entire Brahmin family. सारे ब्रह्मा परिवार के लिए कल्याणकारी है। He is beneficial for the entire Brahmin family. तो जो समझने वाले असली ब्रह्मत्व वाले बच्चे थे, ब्राह्मण स्व देवता बनने वाले पहले ग्रुप के बच्चे थे, उनकी बुद्धि में तो ये बात सहज ही आ जाती। So this point easily sits in the intellect of the children who understood it, the ones with real Brahmin nature, the children of the first group who become deities from Brahmins. कि हाँ, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद शिव सुप्रीम सोल जिसने मुरलियों में वायदा किया है, मैं अंत तक तुम बच्चों का साथ निभाऊंगा। Yes, after Brahma Baba left his body, Shiv Supreme Soul, who has promised in the Murli that he would maintain the company of us children till the end. साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ साथ वतन में जाएंगे। Saying, we will stay together, go together, eat together, and go to the subtle world together. तो जो आसुरी वृत्ति की आत्माएं थी, उन्होंने कहा अब तो गए, अब तो हमारी मुट्ठी बना दिया जाने वाला है। So, the souls with the demoniac nature said, he has departed. Now, we are going to have the rule in our hand. अब तो हम अपनी मनमानी करेंगे। Now, we will behave as per our mind. मुरली में जो वाक्य बोला हुआ वो उनको भूल गया। They forgot the sentences narrated in the Murlis. मुरली में बाबा ने बोला था। बाबा said in the Murli, ये तो उस दुनिया की बात है। This is about that world. कि वहाँ एक गुरु चला जाता है तो उसका चेला गद्दी पर बैठ जाता है। That when a guru departs, his disciple sits on the position. यहाँ तो बाप कहते हैं। Here the father says, ये सदगुरु जाने वाला नहीं है। This सदगुरु isn't going to depart. ये तो एक ही तन के द्वारा बाप, टीचर और सदगुरु का पार्ट बजाता है। He plays the part of the father, the teacher and the Sadguru through the same body. वो मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाता है। He plays the part through the permanent chariot. Temporary रथ की भी बात बताई गई है। The temporary chariot has also been mentioned. लेकिन वो temporary रथ आज में नहीं होता और अंत में भी नहीं होता। But that temporary chariot isn't present in the beginning as well as the end. बीच में आता है और बीच में ही गायब हो जाता है। It comes in existence in the middle and disappears in the middle. जो मुकर्रर रथ है वो आज में भी होता है और कार्य संपन्न करने के बाद इस शक्ति पर कायम रहता है। The permanent chariot is present in the beginning as well as is present in this world after the accomplishment of the task. इसलिए बोला है मुरली में इस शक्ति पर सदाकाल कोई चीज कायम होती नहीं। This is why it has been said in the Murli, nothing is forever present in this world. इस शक्ति पर सदाकाल कायम एक शिव बाबा ही है। Only शिव बाबा is forever present in this world.
ये नहीं कहा शिव बाप सदा कायम है। दिस वॉजंट सेड दैट द फादर शिव इज ऑलवेज प्रेजेंट। शिव बाप परमधाम वासी हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। द फादर शिव विल बिकम द रेजिडेंट ऑफ द सुप्रीम अबोर्ड, ही विल बिकम द डिटैच्ड ऑब्जर्वर। और ब्रह्मा बाप 84 जन्म के लिए बच्चों के साथ ही हो जाएंगे। एंड द फादर ब्रह्मा विल बिकम द चिल्ड्रंस कंपेनियन फॉर 84 बर्थ्स। ब्रह्मा माने बड़ी माँ कृष्ण की सोल। ब्रह्मा मीन्स द सीनियर मदर, द सोल ऑफ कृष्ण। और बाप माने राम की सोल। एंड द फादर मीन्स द सोल ऑफ राम। ये हीरो हीरोइन पार्ट खाली 84 जन्म में बच्चों के साथ रहेंगे। These hero heroine actors will stay with the children for 84 births. Shiv supreme soul saath nahi rahega. Shiv the supreme soul won't stay together. Lekin Shiv supreme soul wapas jaane se pehle ek murti ko, ek atma ko baap saman bana karke wapas jayega. However, before returning, Shiv the supreme soul will make a personality, a soul equal to the father and return. इसलिए कहा लक्ष्य दिया। This is why it was said, this aim was given. बच्चे कैसा पुरुषार्थ करना है? Children, what kind of पुरुषार्थ do you have to make? किसके समान बनने का पुरुषार्थ करना है? You have to make पुरुषार्थ becoming equal to whom? बाप समान पुरुषार्थ करना है। यू हैव टू मेक पुरुषार्थ इक्वल टू द फादर। बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। यू हैव टू मेक पुरुषार्थ ऑफ बिकमिंग इक्वल टू द फादर। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी पने का पार्ट प्रैक्टिकल में बजा कर जाती है, उसकी यादगार शक्ति पर हर धर्म में कायम है। सो अमंग 5-7 बिलियन ह्यूमन सोल्स, द हीरो एक्टर सोल हु गोज आफ्टर प्लेइंग द पार्ट ऑफ बीइंग इनकॉर्पोरियल वॉइसलेस एंड ईगोलेस लाइक द फादर इन प्रैक्टिस, हिज यादगार इज प्रेजेंट इन एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं। द मुस्लिम्स कॉल हिम आदम। अंग्रेज लोग उसे एडम कहते हैं। द इंग्लिश कॉल हिम एडम। उसी आदि पुरुष को हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है। दैट वेरी फर्स्ट मैन इज कॉल्ड आदि देव अमंग द हिंदूज। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है। तुम आदि देव पुरुष है, पुराण है। दैट इज You are the first deity and the first man. और जैनियों में उसको आदिनाथ कहा जाता है। And he is called आदिनाथ among the Jains. तो वो सारी मनुष्य शक्ति का पिता है। So he is the father of the entire human world. क्योंकि मनुष्य शक्ति का रचयिता है। It is because he is the creator of the human world. ऐसे नहीं कि मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती है, पहले नहीं होती है। इट इजंट दैट द ह्यूमन वर्ल्ड इजंट क्रिएटेड और इट डजंट एग्जिस्ट अर्लियर। होती तो है, इट सर्टनली एग्जिस्ट, लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि जैसे मुर्दा हो जाती है। बट द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड बिकम्स लाइक अ कॉर्प्स। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। द सोल्स बिकम द वंस विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट। उन पत्थरों में उन मुर्दों में वो प्राण फूंकने आता है सुप्रीम सोल। द सुप्रीम सोल कम्स टू रिजरेक्ट दो स्टोन्स दो कॉर्पसेस। इसलिए मुसलमानों में ये गायन है। दिस इज व्हाई इट इज प्रेज्ड अमंग द मुस्लिम्स कि कयामत होने से पहले सारी रूहें कब्र दाखिल हो जाएंगी। ऑल द सोल्स विल बी बेरीड इन ग्रेव बिफोर द डिस्ट्रक्शन। कब्र दाखिल होना मना?
व्हाट डज टू बी बेरीड इन ग्रेव मीन? मुर्दा हो जाना, टू बिकम अ कॉप्स, माने बुद्धि मुर्दे में सेल हो जाती है। इट मीन्स द इंटेलेक्ट बिकम्स लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। क्या करना है क्या नहीं करना है ये बिल्कुल बुद्धि में नहीं आता। इट डजेंट कम इन देयर इंटेलेक्ट एट ऑल व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुडन। जब ऐसी पत्थर बुद्धि हो जाती है, When they have such a stone-like intellect, तब वो पारसनाथ बनाने के लिए आता है। He comes to make them into पारसनाथ। पारस के लिए गायन है कि पारस पत्थर लोहे के जिस वस्तु में लगाए दिया जाए, टच कर दिया जाए, तो वो वस्तु सोना बन जाती है। It is praised for Paras that if anything made of iron is touched with the Paras stone, it turns into gold. लेकिन ये सिर्फ गायन मात्र है भक्ति मार्ग का। However, this is just the praise of the path of bhakti. Parasnath का मंदिर भी बनाया हुआ है। The temple of Parasnath has also been built. जो इस बात की यादगार है कि परमात्मा सेवा इस सृष्टि पर आकर किसी मनुष्य के मुकर रथ में प्रवेश करके उसे पारसनाथ बनाता है। इट इज द यादगार ऑफ दिस फैक्ट दैट द सुप्रीम सोल शिव कम्स इन दिस वर्ल्ड एंटर्स अ ह्यूमन बीइंग दैट इज द परमानेंट चैरियट एंड मेक्स हिम इनटू पारसनाथ। जिसके संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही मनुष्य आत्माएं बंदर से मंदिर लायक बनने लग पड़ेंगी। द ह्यूमन सोल्स विल स्टार्ट बिकमिंग वर्दी टू बी वर्शिप्ड इन टेम्पल्स फ्रॉम मंकीज जस्ट बाय कमिंग इन हिज कनेक्शन। दृष्टि मात्र से ही परिवर्तन होने लग पड़ेगा। द ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस जस्ट थ्रू हिज दृष्टि। और अभी भी परिवर्तन हो रहा होगा। एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी टेकिंग प्लेस इवन नाउ। परसेंटेज की बात है। इट इज अबाउट द परसेंटेज। जब संपन्न स्टेज में पारसनाथ की प्रत्यक्षता होती है, व्हेन पारसनाथ इज रिवील्ड इन हिज कंप्लीट स्टेज, तो सारी सृष्टि में जो आत्माएं परिवर्तन होने वाली है, देवत्व पद प्राप्त करने वाली है, 84 जन्म लेने वाली है, उनके मुख से जय जयकार निकलता है। द सोल्स हु आर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड who are to attain the position of the deities and have 84 births in the entire world, cry in victory. And those who aren't able to understand him, cry in despair. So, the father has come. Number 4 बच्चे बाप की याद में बैठे हुए। The children are sitting in the father's remembrance, number wise. एक ही शरीर में दो बाप बैठे हुए। Two fathers are sitting in a single body. एक आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, और एक मनुष्य शक्ति का बाप, आदम एडम या प्रजापिता। वन इज द फादर ऑफ द सोल्स, द फादर ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइट सोल्स, एंड अदर इज द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, आदम एडम और प्रजापिता। शास्त्रों में उसका नाम प्रजापति दे दिया। ही हैज बीन नेम्ड प्रजापति इन द स्क्रिप्चर्स। वो शूटिंग पीरियड के लास्ट घड़ी की बात है। इट इज अबाउट द लास्ट मोमेंट इन द शूटिंग पीरियड। जब सारी मनुष्य शक्ति ये जान जाएगी कि वो चोला जिसमें सुप्रीम सोल आता है, वो सारी मनुष्य शक्ति का रक्षक है। पति माना पाति, रक्षा करने वाला।
When the entire human world comes to know that the body in which the Supreme Soul comes is the protector of the entire human world. Pati means Pati, that is, the one who protects. Asuri shaktiyon se raksha karne wala hai. He is the one who protects us from the demonic powers. जिसके लिए गीता के श्लोक में बोला हुआ है धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। For which it has been mentioned in the shloka of the Gita, dharma sansthapanarthaya vinashaya cha dushkritam. That is, I establish the ancient deity religion and destroy the wicked ones. Dushta karma karne walon ka nash karne wala hai. He is going to destroy those who perform wicked actions. Bahar ki duniya ki baat baad mein hai. The topic of the outside world comes later. Pehle hai brahmanon ke yagya ki duniya ki baat. First, it is about the yagya of the Brahmin world. Chahe wo basic knowledge mein chalne wale brahman ho aur chahe wo advanced knowledge mein chalne wale brahman ho, chahe wo bij roop atmay ho, chahe aadhar murt jav wali atmay ho, aur chahe bahar ki duniya ke ho, teen duniya prasidh hai. Whether they are the Brahmins who follow the basic knowledge, the Brahmins who follow the advanced knowledge, the seed form souls, the root form souls, or those of the outside world, three worlds are famous. तीनों दुनिया में एक से एक बढ़कर के असुर समाये हुए हैं. All the three worlds have demons, one bigger than the other. और तीनों ही दुनिया में एक से एक बढ़कर के देवत्व पद प्राप्त करने वाली आत्माएं समाई हुई। एंड इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स देयर आर द सोल्स हु अटेन द पोजीशन ऑफ डेटीज वन बिगर देन द अदर। इसलिए मुरली में बोला है अच्छे से अच्छे देखना हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देखना हो तो यहाँ देखो। दिस इज व्हाई इट हैज बीन सेड इन द मुरली, इफ यू वांट टू सी द बेस्ट द मोस्ट एलिवेटेड वंस सी हियर। और बदतर से बदतर पार्ट बजाने वाले देखना हो तो यहाँ देखो। एंड इफ यू वॉन्ट टू सी द वर्स्ट एक्टर सी हियर। कहाँ? वेयर? ब्राह्मणों की यज्ञ में। इन द यज्ञ ऑफ द ब्राह्मिन्स। लेकिन वो बाप सबका बाप है। हाउएवर दैट फादर इज एवरीवन्स फादर। और सबका कल्याण करने वाला है। एंड He is the one who brings about everyone's welfare. असुरों का दमन करता है तो भी उनका कल्याण होता है। Even when he kills the demons, their welfare is brought about. और देवात्माओं की रक्षा करता है तो उनका कल्याण तो है ही है। And as he saves the deity souls, they are benefited for sure. इसलिए शास्त्रों में एक ही मूर्ति ऐसी है जिसको राक्षस भी अपने पिता के रूप में मानते हैं और देवताएं भी अपने पिता के रूप में मानते हैं। दिस इज व्हाई देयर इज जस्ट वन पर्सनालिटी इन द स्क्रिप्चर्स हुम द डीमंस एज वेल एज द डेटीज एक्सेप्ट एज देयर फादर। राक्षस भी उसकी पूजा करते हैं और देवताएं भी उसकी तपस्या करते हैं। The demons worship him and the deities also do his tapasya. Dono mein saman roop se manyata prapt hai. He is accepted equally in both the categories. Vishnu devata sirf devataon ka hi sanrakshan karta hai. The deity Vishnu protects just the deities. Lekin Shankar ko राक्षसों का, दानवों का और देवताओं का भी पिता माना गया। But Shankar has been considered as the father of the demons as well as the deities. उसकी दृष्टि में सब समान है। Everyone is equal for him. इसका मतलब ये नहीं है कि अन्याय करने वालों के साथ अन्याय करता है। This doesn't mean
that he does injustice to those who do injustice. No. कलयुग के अंत में सारी मनुष्य शक्ति असुर बन जाती है. At the end of the Iron Age, the entire world becomes demons. तो ऐसे नहीं कि जो देव आत्माएं आसुरी पर पार्ट बजाती है कलयुग के अंत में संघ के रंग में आकर के उनके ऊपर रहम कर देता है. नहीं. So it isn't that he has mercy for the deity souls who play a demoniac part at the end of the Iron Age because of being colored by the company. No. अगर ऐसा किया होता तो ब्रह्मा बाबा की खांसी ठीक हो गई होती. Had he done that, Brahma Baba's cough would have been cured. लेकिन ऐसा नहीं किया. However, he didn't do that. जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलता है. Whoever has performed whatever actions, he receives the fruits accordingly. चाहे वो देवत्व पद पाने वाली आत्मा हो और चाहे वो राक्षसी कर्म करने वाली आत्मा. Whether they are the souls who attain the position of a deity or the souls who perform demoniac actions. उसकी नजर में तो सब कुछ है. He sees everything. वो हर एक की कर्म कहानी को जानता है. He knows everyone's actions. लेकिन पक्षपात किसी के साथ नहीं करता. Even so, he isn't partial to anyone. अभी वो बाप आया हुआ है. Now that father has come. तुम बच्चे उस बाप की याद में बैठे हो. You children are sitting in that father's remembrance. तो पूछते हैं. So he asks you. मुरली में ही कभी कभी पूछते हैं बच्चे बाप की याद में बैठे हो. Sometimes he asks in the Murlis itself, children, are you sitting in the father's remembrance? सब कह देते हाँ बैठे. Everyone says, yes, we are sitting. उस बाप से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है. You receive the most elevated direction from that father. माने भ्रष्ट मत देने वाले सारे ही मनुष्य गुरु हैं. It means all the human gurus are the ones who give corrupt directions. और श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही. And the one who gives the elevated direction is the one alone. इसलिए बताया हर घर में ये स्लोगन टांग दो. This is why it was said, hang this slogan in every house. एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति. Sadgati from the one incorporeal Sadguru and Durgati from many human gurus. Srimat se Sadgati aur Manushimat se Durgati. Sadgati through Srimat and Durgati through the opinions of the human beings. Om Shanti. Om Shanti.